हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर फाइन. स्टूडेंट्स, एज यू नो, वी आर डिस्कसिंग अवर चैप्टर नंबर 7, दैट इज स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स. टुडे वी विल डू द लास्ट टिश्यू, दैट इज नोन एज द नर्वस टिश्यू. इट इज नोन एज द नर्वस टिश्यू. वट इज नर्वस टिश्यू? नर्वस टिश्यू आर स्पेशलाइज्ड सेल्स विच ट्रांसमिट द मैसेज रैपिडली फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू द अनदर पार्ट. It is specialized cells that transmit message from one part of the body to another part. Cells of the nervous tissue are called the nerve cells. Cells of tissue are called the nerve cell or neurons. Nerve cell बोलेंगे या neurons बोलेंगे, ठीक है? Neurons are the structural and functional units of the nervous tissue. Nerve cell or neuron are called the structural or functional unit of nervous system. ये जो cells हैं, neurons और nerve cells, ये structural और functional unit हैं. जैसे cell हमारी body का स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट, इसी तरह से न्यूरॉन और नर्व सेल्स ये क्या हैं? दीज आर द स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ द नर्वस सिस्टम. दीज न्यूरॉन्स हैव द एबिलिटी टू रिसीव स्टिमुलस फ्रॉम विद इन और आउटसाइड द बॉडी एंड कंडक्ट इट टू डिफरेंट बॉडी पार्ट्स. इन न्यूरॉन्स में एबिलिटी होती है कि बॉडी के अंदर से या बॉडी के बाहर से कोई भी मैसेज आता है, कोई भी स्टिमुलस आता है, वो उसको रिसीव करते हैं और दूसरे बॉडी पार्ट्स के अंदर ये कंडक्ट करते हैं. द नर्व इम्पल्स ट्रेवल फ्रॉम वन न्यूरॉन टू द अनदर. न्यूरॉन एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में नर्व इम्पल्स ट्रेवल करती है. नाउ अक्रेंस, तो ये नर्वस टिश्यू कहाँ पे फाइंड आउट होता है बॉडी में? अक्रेंस. न्यूरॉन्स आर प्रेजेंट इन ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड सेंस ऑर्गन्स. सेंस ऑर्गन्स कौन कौन से? स्किन, आईज एंड ईयर्स. नाउ नेक्स्ट इज द स्ट्रक्चर ऑफ द न्यूरॉन. स्ट्रक्चर ऑफ ईच न्यूरॉन. हियर आई कैन ड्रॉ द स्ट्रक्चर. तो फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे इसकी सेल बॉडी. दिस इज द सेल बॉडी, ठीक है? और वी कैन से साइटोन. ये पूरा का पूरा क्या है? साइटोन है और सेल बॉडी. दीज आर डेंड्राइट्स. These are dendrites. This is nucleus. And here it is neuroplasm. This is cyton है और ये नीचे की तरफ जा रहा है जो ये axon है. First we will discuss about the cyton or सेल बॉडी. हाँ जी, अब ये साइटोन क्या है? इट इज द मेन पार्ट ऑफ द नर्वस सेल. इट कंटेन्स सेंट्रीप्लेज, न्यूक्लियस एंड अ मेजर पार्ट ऑफ साइटोप्लाज्म. साइटोप्लाज्म को हम यहाँ न्यूरोप्लाज्म बोलेंगे क्योंकि ये न्यूरॉन है. सेल बॉडी हैज ऑल टाइप ऑफ सेल ऑर्गेनेल्स. इसमें सारी सेल ऑर्गेनेल्स हैं एक्सेप्ट सेंट्रियोल. सेंट्रियोल नहीं है.
इन साइटॉन. अब इसके अंदर क्या है, राइबोसोम्स एंड एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम आर ग्रुप्ड टुगेदर. इसमें राइबोसोम और एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम दोनों इकट्ठे पड़े हैं टू फॉर्म ग्रैन्यूल्स कॉल्ड निशल्स ग्रैन्यूल. ये जो मैंने डॉट लगाए हैं ना, इनको हम बोलेंगे निशल्स ग्रैन्यूल्स. निशल्स ग्रैन्यूल्स ये बिल्कुल उसकी तरह होते हैं जैसे एक फेस वॉश नहीं होता, उसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट कलर की छोटी छोटी गोड़ियाँ सी होती हैं जो हाथ पे लगाने से रड़कती हैं. सिमिलरली ये साइटोप्लाज्म, इसका साइटोप्लाज्म भी उसी तरह से होता है कि उसके अंदर ग्रेन्यूल्स होते हैं और वो मतलब फील होते हैं कुछ, थोड़ा ऐसे लगता है जिससे बीच में दानेदार है कुछ, इस तरह का साइटोप्लाज्म है इसका. नेक्स्ट इज द, अब ये है हमारे पास डेंड्राइट्स और डेंड्रॉन्स. दीज आर शॉर्ट बट हाईली ब्रांच्ड. These are short but highly branched tapering projections which arise from the cyton. Cyton से निकल these dendrons further branch into the dendrites. आगे जाके ये और ब्रांच हो जाते हैं जिसको dendrites बोलते हैं. पहले इसको dendron बोलेंगे, ये branched को हम dendrite बोलेंगे. Dendrites also possesses neurofibrils and initial granules. इसके अंदर भी होते हैं वो initial granules जो मैंने आपको बताए हैं. These provide a large surface area for synapse. What is synapse? Synapse का मतलब होता है कि एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में जब मैसेज जाता है उसको synapse बोलते हैं. ठीक है, the main function of dendron is nerve impulse conduction, to conduct the nerve impulse. इनका काम क्या है, nerve impulse को conduct करना. वो कैसे करती है मैं आपको बताती हूँ यहाँ पे. This is axon. ठीक है जी, अब ये axon है जो, इसकी ending कहाँ होती है, इसकी एंडिंग ऐसे होती है. ठीक है जी, हम इसको छोटा ही बना लेते हैं. तो ये क्या है जो मैंने अभी बाहर बनाई है, दिस इज शावान सेल और न्यूरोलीमा. दिस इज न्यूरोलीमा और शावान सेल्स, और शावान सेल्स इनके बीच में न्यूक्लियस भी पड़ा होता है. ठीक है जी, दिस इज न्यूक्लियस, न्यूक्लियस ऑफ शावान. ठीक है जी, तो ये क्या है, ये है हमारे पास नर्व एंडिंग्स. दीज आर नर्व एंडिंग्स, ये न्यूरॉन सेल का एंड हो गया. दीज आर नर्व एंडिंग्स. तो जहाँ पे ये शीथ, ये नहीं है सेल्स, ये वाली जगह, ये क्या है हमारे पास, नोड्स ऑफ रेनवियर, नोड्स ऑफ रेनवियर. अब समझिए इसका, एग्जॉन का, सारी का क्या फंक्शन है. इट इज लॉन्ग सिलेंड्रिकल ट्यूबुलर स्ट्रक्चर एंड इज ऑफ यूनिफॉर्म डायामीटर. इट अराइजेज फ्रॉम द डिस्टल पार्ट ऑफ द साइटॉन. एग्जॉन कंटेन न्यूरोफाइब्रिल्स विच आर डिवोट ऑफ निशल्स ग्रेन्यूल्स. इसके अंदर भी न्यूरोफाइब्रिल्स हैं लेकिन इनके अंदर निशल्स ग्रेन्यूल्स नहीं है. एग्जॉन इज सराउंडेड बाई ए शीथ नोन एज न्यूरोलीमा और शावान सेल. ठीक है जी, और शावान सेल्स. दी एग्जॉन इज ऑल्सो कॉल्ड नर्व फाइबर. हम इसको नर्व फाइबर भी बोल देते हैं. नर्व फाइबर इसमें दो तरह के हैं, एक वाइट है एक ग्रे है. ठीक है जी, मेडुलेटरी नर्व फाइबर है. मेडुलेटरी नर्व फाइबर मीन्स जहाँ पे ये शीथ चढ़ी हुई है वो मेडुलेटर है, जहाँ पे शीथ नहीं चढ़ी हुई यहाँ पे इस जगह पे वो नॉन मेडुलेटेड है. नॉन मेडुलेटेड को हम बोलेंगे नोड्स ऑफ रेनवियर. इन नॉन मेडुलेटेड फाइबर्स नोड्स ऑफ रेनवियर आर कॉल्ड, वी कैन कॉल इट नोड्स ऑफ रेनवियर. इट डज नॉट कंटेन निशल्स ग्रेन्यूल्स. ठीक है जी, इट फॉर्म्स ब्रांच विच आर स्वोलन एट द टर्मिनल एंड. दिस इज नोन एज साइनैप्स. अब ये एंड के यहाँ पे क्या बनेगा, एक टर्मिनल एंडिंग बनेगी जहाँ पे मैसेज है जो नेक्स्ट न्यूरॉन में कंडक्ट होगा. ठीक है जी, तो ये वाली चीज ये दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट्स के साथ अटैच होती है. ये नर्व एंडिंग्स, इसके बाद दूसरा न्यूरॉन स्टार्ट है और वहाँ पे उसकी डेंड्राइट्स हैं, उन डेंड्राइट्स के साथ अटैच है लेकिन पूरी तरह से अटैच नहीं है, बीच में थोड़ी सी स्पेस है और उस स्पेस को हम बोलते हैं साइनेप्टिक क्लेफ्ट. That space is known as the synaptic cleft. उस synaptic cleft में क्या है, acetylcholine, acetylcholine, acetyl
सॉरी एसिटाइल कोलीन, एसिटाइल कोलीन नाम का एक लिक्विड है जो यहाँ से मैसेज इस साइनेप्टिक क्लेफ्ट में जाएगा और यहाँ पे एसिटाइल कोलीन है उससे मैसेज जाएगा नेक्स्ट न्यूरॉन के डेंड्राइट में। ठीक है जी, तो ये क्या हो गया पूरा एरिया साइनेप्टिक क्लेफ्ट और वी कैन सी साइनेप्टिक नर्व। अ न्यूरॉन कैन बी सेंसरी और मोटर। अब न्यूरॉन्स दो तरह के हैं, सेंसरी भी हैं और मोटर भी हैं। सेंसरी न्यूरॉन्स का क्या काम है? सेंसरी न्यूरॉन्स, सेंसरी न्यूरॉन्स, सेंसरी न्यूरॉन्स कंडक्ट मैसेज फ्रॉम बॉडी टू ब्रेन। और मोटर न्यूरॉन्स क्या है? ये मैसेज वापस लेके आते हैं फ्रॉम ब्रेन टू बॉडी पार्ट कि क्या रिएक्शन करना है। ये एक्शन लेके जाते हैं और रिएक्शन क्या करना है ये मोटर न्यूरॉन वापस लेके आते हैं। नाउ व्हाट आर द कंबाइंड फंक्शंस ऑफ द नर्वस टिश्यू, फंक्शंस ऑफ नर्वस टिश्यू, नर्वस टिश्यू का क्या फंक्शन है? These tissues provide responses to all type of stimuli like light, sound, smell and touch. Pain. These provide response to all types of stimuli. To all type of stimuli. Second, the behavior of body is totally dependent on the nervous system. Behavior, behavior of body totally dependent on nervous system. Third, these tissues control all the body activities and coordinate their function. Control all the body activities and coordinate their functions. With this students our all tissues are completed and next we will start the anatomy of cockroach. The anatomy we will start in the next session because in that we can complete only cockroach. Their cockroach digestive system, cockroach respiratory system and its reproductive system. So this is enough for today. Thank you and have a nice day.